जोशीमठ से धार्मिक सहर देवभूमि जहाँ आदि शंकराचार्य सहित जड़ित थिला सही जोशीमठ जहाँ पूज्य बद्री विशाल फाटक भाव में जनाशुना एवं से ही जोशीमठ उपर एक बड़ विपद जहाँ चित्कार करी कहुछि जदि अवस्था न सुधुरिब दबिजीव माटी पाताल को चली देवभूमि उत्तराखंड जोशीमठ में भूमि दबिबा परे आतंकित हो पड़ी सहरवासी भूमि दबिबा फल घरगुड़िक फाट देखा परे सांघातिक स्थिति सृष्टि होई एजाए नौटी अंचल पखापाखि भूमि दबि जाई 561 घर फाटी आँ कर एक मंदिर भुशुड़ी पड़ी परिस्थिति को देखी एनडीआरएफ टीम डक क्यों कारणपाई भूमि दबिछि से संपर्क में सर्वे विशेषज्ञ टीम पहुंची स्थिति समीक्षापाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चामोली जा अनेक स्थान में भूमि दबि जाई पानी बाहर सहित तो कोठारे फाट सृष्टि होता देखा मिली एसबू असुविधा को देखी जीवन विपदे स्थानीय लोके स्थानीय प्रशासन सूचना अनुसार भूमि दबिवा जो सहर 576 घर 3000 रु अधिक बासिंदा प्रभावित होती फटाघर सबक म्युनिसिपालिटी सबु दिगर सर्वे करुक लोक भय घर द्वार छाड़ी चलीगले सुरक्षा को नजर रखी दुईट होटेल को बंद कर दिजा सहित 38 परिवार को सुरक्षित स्थान को स्थानातर कर मुख्यमंत्री प्रभावित लोकों को भेटा सहित रिलीफ कार्य को त्वरावित करने निर्देश हेलिकप्टर गुड़ी स्टैंडबाय हिसाब से रखा एक विशेषज्ञ टीम से ही अंचल को पठाई जो जियोलॉजिस्ट बिल्डिंग स्पेशलिस्ट एवं अन्य विशेषज्ञ टीम सदस्य अच्छा तेज आसतु जाना कहीं धसुची जोशीमठ जोशीमठ धसवे उभय मानवकृत और प्राकृतिक कारण रही तीनिटि प्रमुख कारण जो दुर्बल होबारे लगी जोशीमठ जोशीमठ सर्वाधिक भूकंप प्रवण जोन बा जोन 5 रे रही क्रमगत जल प्रवाह जो माटी तलर पथर गुड़िक दुर्बल ऋषिगंगा धौलीगंगा नदी में बन्या जो मूलदुआ दुर्बल होता सहित बद्रीनाथ हेमकुंड आउलीर प्रवेश द्वारा होप संभा पारुनी एवं विपद सृष्टि दीर्घ दिन धरी बिना प्लानिंग निर्माण कार्य जो असुविधा देखाई माटी धसिबार कारण सबु स्थान रे निर्माण करा होटल एवं रेस्टोरेंट ता सहित जनसंख्यार चाप एवं पर्यटकों भिड़र आकार बहुगुणित विपद नहीं आसुची 1976 रे एने रिपोर्ट देथिले मिश्रा कमिटी देवभूमि जोशीमठ कौन आसंतु जानिबा उत्तराखंड एक क्षुद्र सहर भाव में जनाशुना हिमालयर पादेश एक प्राचीन भूस्खलन स्थल में अवस्थित जोशीमठ समुद्र पतन ठार 6000 फुट उच्च अवस्थित जोशीमठ एक शताब्दी पूर्व भूकंप भूस्खलन ध्वंसावशेष गढ़ी उठी सहर गेटवे कहुए एठार हिमालयर विभिन्न स्थान को रास्ता रही जोशीमठ में विगत 2 माह से लगातार भूधसाव की प्रक्रिया बढ़ी है। इसी पर हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों भवन इसकी जद में आ चुके हैं। जोशीमठ का अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है, जिस तरह के आप देख रहे हैं लगातार भूधसाव हो रहा है, मकाने टूट रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल ही हमारे बीच आपदा प्रबंधन सचिव यहाँ पहुंचे थे और उनके द्वारा सर्वेक्षण का निरीक्षण किया गया। आज उसी परिप्रेक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आज कुछ समय के बाद जोशीमठ पहुंच रहे हैं, आपदा की समीक्षा के लिए आ रहे हैं, लोगों की दर्द जानने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। निसंदेह रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र को कुछ इसकी आपदा मरहम लगाने का आप काम करेंगे, क्षेत्र को बड़ी आप सौगात देने का आप काम करेंगे। जोशीमठ में मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं और हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो जोशीमठ के लिए कोई बड़ी पैकेज का घोषणा करेंगे, जिससे कि जोशीमठ में एक जो ये दहशत का माहौल बना हुआ है, जो यहाँ पे आपदा है उसमें लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। जरा जमीन देखिए, जमीन का हाल देखिए कि किस तरीके से जमीन फट गई है। आप देखें कि गहरी दरारें जो हैं वो जमीन में भी पड़ गई हैं और ऊपर जैसे ही आप दीवारों की तरफ देखने लगते हैं तो वो बाहर की दरार आपको अंदर भी नजर आती है और इस तरह से नजर आती है कि सीमेंट पुट्टी या जो एक पूरी लेयर रहती है ईंटों के ऊपर वो झड़ने को बिल्कुल तैयार है। हल्का सा झटका और ये नीचे आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक और कमरा जो है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएं जिसकी जमीन जो है, आप सबसे पहले जमीन पे आपका ध्यान जा रहा है। अभी देखिए ये जमीन की दरार इधर से दिख रही है, यहां से आती हुई ये दरार यहां से जाती हुई दीवार तक पहुंच रही है और क्या हाल बीच में दीवार का हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है।
पूरे कमरे में ये मोटी दरार आपको नजर आ रही है दीवार पे। जाहिर तौर पर लोग अभी भी यहाँ पर घर पे हैं, लेकिन इस कमरे का इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया है। जो घर में रहते हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सब ज्यादातर घरों में ऐसे ही हाल हो रहा है यहाँ, ज्यादा यही हो रहा है। अच्छा, तो कैसे आप लोग, अभी आप लोग को कोई व्यवस्था की गई है कहीं और रहने की या क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रखा अभी। तो ये कमरा इसको इस्तेमाल करते हैं क्या अभी भी? अब नहीं करते, डर के मारे उधर चले गए। अच्छा, आप लोग वहाँ चले गए, घर ही छोड़ के चले गए? प्रशासन की तरफ से कोई आया था? कुछ नहीं, अभी नहीं आया। कोई सर्वे वगैरह रिपोर्ट? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो अभी आप लोगों को कुछ बोला गया प्रशासन की तरफ से कि घर छोड़िए? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला अभी। कुछ नहीं बोला, तो कैसे कट रही है रातें यहाँ? ऐसे कट रही है, पुराने मकान छोड़ के जा रखे उधर, तो क्या करना। तो कितने परिवार ऐसे होंगे जो अपना अभी मकान छोड़ छोड़ के ऊपर? काफी मकान है इस गाँव में, काफी। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और अब भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी अल्प उम्र में ही तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आप देखिए, आप हालात देखिए कि यहाँ पे दरार पड़ चुका। हम आपको अंदर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, न्यूज 18 इस समय एक्सक्लूसिव मंदिर के अंदर पहुंचा। ये देखिए आप, ये पूरी पुरानी जो दरारें हैं, ये पुराना मंदिर है, इस पे दरार पड़ चुकी है। और ये देखिए जो इलाका है, ये पूरा झरना है। और आप देखिए, जो भक्त सुबह से यहाँ पे दर्शनों के लिए पहुंचते थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मंदिर में अब धीरे धीरे दरार पड़ने लग गई है। और आप देखिए, ये पूरा मंदिर है, लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और यहीं से वे फिर बद्रीनाथ धाम गए। और बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की उन्होंने वहां पे स्थापना की, यानी कि नारायण के मंदिर को स्थापित किया। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे खतरा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नितिन सिंहवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ में हर एक दिन लोगों पर भारी पड़ता चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जोशीमठ क्षेत्र में लगातार जो दरार पड़ने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देखें किस तरीके से इस भवन पे दरार पड़ी हुई है। ये नई दरार है और मारवाड़ी क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ पे एक मंजिला आप देखेंगे, पहले नीचे, उसके बाद एक दूसरा मंजिला ऊपर है और नीचे का जो माला है वो बिल्कुल खिसक रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग हैं वो इन घरों में रह रहे हैं और उन्हीं से सीधा बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? संजना। क्या हो रहा है, किस तरीके से दरारें पड़ी है यहाँ पे? ये सुरंग के नीचे शायद मशीन फंसी हुई है, उसके कारण। अच्छा, आपको कुछ राहत और कुछ बताया है, कुछ दिया है अभी तक? यहाँ पे कोई लोग आए थे देखने के लिए? हाँ, आए थे सुबह। क्या नाम है आपका? क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ पर तो बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का जी, तो तब मदद की जरूरत है। निश्चित रूप से लोगों को अब मदद की जरूरत है और अगर इन तक मदद नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोग परेशानी में रह सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जोशीमठ पहुंचने वाले हैं और जोशीमठ पहुंचकर वो हालातों का जायजा भी लेंगे। नितिन सिंहवाल, न्यूज 18 जोशीमठ, मारवाड़ी।